जय हिंद। पाक मीडिया की नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए कृपया डीके यादव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। की लिस्ट में से सारे फरिश्ते हैं। आज आप देख लें कि शायद मैं समझता हूं कि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान वो ताल्लुकात होते जो कनाडा अमेरिका के दरमियान हैं, या अमेरिका मेक्सिको इवन कह लें, या यूरोपियन मुल्कों के एक दूसरे के साथ हैं, तो मैं समझता हूं कि मुमकिन है इनको इतना ज्यादा पूरी दुनिया में झोली फैलाने की और इमदादें मांगने की जरूरत ही ना पड़ती। चूंकि जाहिर है पाकिस्तान उस हिसाब से इंडिया के मुकाबले में अपने रकबे और साइज के एतबार से, पॉपुलेशन के एतबार से जो उसकी सिचुएशन है, उसमें इंडिया इस पोजीशन में है कि इस तरह के डिजास्टर में उसकी अगर पूरी नहीं तो कम से कम 80% रिलीफ जो है वो इंडिया फ्राम कर सकता है। आरजू, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का के लिए इतना बड़ा ये अलमिया है, इतना मुश्किल वक्त आने वाला है। आप ताजा नहीं है कि अब कौन सा महंगाई का तूफान आने वाला है। हिलाली साहब, आज मैं सब्जी लेने गया सुबह, जिस वक्त आज मैं सब्जी लेने गया हूँ तो आपको हैरत होगी, 300 रुपये किलो आलू, 300 रुपये किलो प्याज, 1000 रुपये किलो धनिया। पहनने के लिए दो कपड़े। पॉइंट ये है कि इनकी पूरी लाइव्स जो है हमने खत्म कर दी है, और इस मुल्क की अनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी ने खत्म कर दी है, इस मुल्क की इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी ने खत्म कर दी है। अब आप लाख वर्ल्ड बैंक के पास जाइए। सब्ज धनिया 1000 रुपये किलो, 300 रुपये किलो खीरे। आप यकीन करें कि जब मैंने सिर्फ सैलेड का सामान लिया, सब्जी अभी मैंने लेनी थी, तो सैलेड का सामान, दो प्लेट सैलेड के लिए 550 रुपये का मुझे सामान मिला। मुझे आप ये बता दें कि क्या उसमें एक आदमी, गरीब आदमी जो है वो क्या खाएगा। अगर आपने जो आपने बात की थी ना, अगर आपने फौरी तौर पे पानी को वहाँ से हटाने का काम ना किया, कोई ऐसे इंतजाम ना किए, तो आप यकीन करें कि जो आज 300 रुपये किलो आलू मिले हैं, ये शायद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद 500 रुपये किलो मिलेंगे। इस वक्त ये भी एक फौरी ज़रूरत है हुकूमत को कि हमसाया मुल्कों के साथ भी मामला तय करके तो वहाँ से भी सब्जी मंगवाने का फौरी बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये 450 किलो। तो बिल्कुल सर पे हमारे खड़ा है इमरान साहब, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जो सीड्स हैं वो भी बहुत सारे वेस्ट हो गए हैं, सैलाब की नजर हो गए। तो जब आप, आपके पास सीड ही नहीं है, तो आगे की भी आप गंदम, आप चीजें, चावल, कैसे आप अनाज उगाएंगे? समीना सोच नहीं सकते, उसकी वजह मैं बताऊंगा आपको। इस फ्लड के साथ क्या क्या हुआ है पाकिस्तान में, क्या क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप रिकंस्ट्रक्शन को तो भूल जाएं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उस पर तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। लेकिन इस वक्त जो अलमिया ये है कि आपकी फूड शॉर्टेजेस आएंगी, आपकी महंगाई पहले ही आसमानों को टच कर रही है, ये मजीद बढ़ेगी, क्योंकि आप ये, क्योंकि हर चीज इम्पोर्ट होगी आपकी, ना व्हीट वहां रही है, काटन की फसलें, आपकी व्हीट की फसलें, हर चीज खत्म हो गया, हर चीज बह चुकी है। और हर चीज जब इंपोर्ट की जाएगी आजकल के हालात में, तो वो कहां से किस तरह इंपोर्ट करेंगे? तो आपके पास तो पैसा पहले मौजूद नहीं है, आप पहले ही दर बदर मांगते फिर रहे हैं जाके मुख्तलिफ ममालिक में से। आपके मिर्ता इस्माइल साहब जो है वो पहले कई दफा कह चुके हैं कि हम बड़ी जगहों पे गए हैं, लोग पैसे नहीं देते। लेकिन अब मुझे सख्त अफसोस ये है कि आपके शाही हलले तलले अभी तक बंद नहीं हो रहे। आपके स्पीकर साहब एक बड़ा वफद लेकर अभी कनाडा गए हुए थे, और मैंने शहबाज शरीफ साहब का जो डेलीगेशन कतर गया है उसके मैंने जब नंबर देखे तो मेरे होश उड़ गए। 44 लोगों का डेलीगेशन था जो कतर गया। जरूरत थी लोगों को लेके जाने की, जाहिर ये फ्री तो नहीं गए, इनके फ्लाइट के खर्चे आपकी गवर्नमेंट ने दिए। तो इन सारे चीजों में देखा जाए तो आपका क्या ख्याल है? IMF, वर्ल्ड बैंक, दूसरी दुनिया के लोग आपके ये लले तलले नहीं देखते कि आप जो किस तरीके से बेदरेक तरीके से आप पब्लिक फंडिंग का जो है वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसमें जो अभी मैं हैरान होता हूं कि लोगों के जमीर जो है वो मुर्दा हो चुके हैं। उसकी मैं मिसाल ये देना दूंगा आपको कि 4 लोग अगले दिन लोग वीडियो बनाते रहे जो उनके सामने बह गए हैं
पांच लोग, और उसमें आज लोग जो है वो उठ के क्रिकेट देख रहे हैं। आप आपके जो मैंने मैं बताता हूं आपको, लाहौर से इस्लामाबाद तक के लोग जो है वो बेहिस हो चुके हैं, और उनके पास इतना पैसा है जिसकी हद नहीं। किसी ने कोई ऐलान किया हो? आज नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया है, कोई उन्होंने कहा है कि मैं इतने मिलियंस पाउंड भेजता हूं या मैं देता हूं अपनी जेब से? आज किसी ने एपीसी इन्होंने कॉल कर ली, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन्होंने कॉल कर ली। जाहिर सी बात है, जब वो फूड शॉर्टेज होगी, महंगाई और होगी, तो फिर हर कोई शख्स जो अपने घर में महफूज भी है सैलाब से, वो महंगाई से महफूज नहीं रहने वाला। उस तक महंगाई के असरात तो बहरहाल पहुंचेंगे ही, नैनी केस और फूड शॉर्टेज के भी। जी सर। अच्छा, आप समीना, मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे एक एमएनए जो एक बड़े ओहदे पे थे कुछ साल पहले, लास्ट गवर्नमेंट में भी थी मैं, उन्होंने फोन करके कहा कि एक वीआईपी जा रहा था, मैं आपको बता सकता हूँ, खुर्शीद शाह का बेटे को, उसको उन्होंने कहा तुम किधर जा रहे हो? ये लोगों ने किया है, दीज आर द सर ऑफ नॉर्मली डोसाइल सिंधी, कि तुम किधर जा रहे हो, उतरो गाड़ी से और चलो और देखो हम क्या बर्दाश्त करना पड़ते हैं। और जिधर जाए आप, वीआईपी जो होते हैं उनके खिलाफ देर आर ऑलमोस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस। इस हद तक कि मैंने एक ट्वीट कहा, मैंने कहा है लगता है ऐसा है जैसे मैंने कल आपको कहा था कि पंजाब बंगाल के फ्लड्स के बाद मुजीबुर रहमान को, जो चलो पॉपुलर पार्टी था, मगर उसको तो फिर 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा मिल गया, और लोगों ने पूरा फैसला किया कि पाकिस्तान कैन नॉट सेव अस, मगर तुम तो हमें कुछ नहीं कर सकते हो, हमारा जब आफत आता है तुम पानी से भी हमें नहीं बचा सकते हो, तो हम क्यों रहें आपके साथ? तो ये एक फीलिंग हो रहा है बिल्कुल, और हमें भी गैर मजहब का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में भी, हम बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं। और आवाम जब आप देखिए इंडिया और फिलीपींस, सॉरी मैं खत्म कर रही हूँ, बस मैं कह रही हूँ, इंडिया और फिलीपींस ने इंश्योरेंस ली फॉरेन ममालिक से, वर्ल्ड बैंक से, कि अगर हमारे ऊपर कोई नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, कि ड्राउट आ जाए, सुनामी आ जाए, और इसके हवाले से जब उनके पास फ्लड्स आए इंडिया के पास, तो दे वर पेड अ सर्टेन अमाउंट एंड देन इट वेंट टू गुड कॉज। हमारे यहाँ तो ये सोचने वाला कोई नहीं है, हमारे यहाँ कोई अपनी कुर्सी बचाने से आगे चलेगा तो कोई बात होगी ना। अगर क्योंकि भारत एक हमसाया मुल्क है, तो ये वाली बातें भी मैं देख रही थी, सोशल मीडिया पे चल रही थी, कि क्या इंडिया को जो है पाकिस्तान के सिलसिले में सपोर्ट करनी चाहिए, भाई आपको मदद की जरूरत है तो हम हाजिर हैं, या फिर पाकिस्तान को कहना चाहिए या नहीं, दोनों कंट्रीज के हालात ऐसे नहीं है कि ये तो हो ही नहीं सकता। देखें जी, पाकिस्तान तो नहीं कहेगा, चूंकि इसमें अनापरस्ती का एक अंसर है, और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो आप कह रही है ताल्लुकात ऐसे नहीं, तो उसकी वजह भी यही है कि एक अनापरस्ती और बिलावजह की जो हट धर्मी और इस तरह के मामलात हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन है, वरना इस तरह की किसी भी नेचुरल डिजास्टर की शक्ल में सबसे पहला हक या फर्ज जो होता है वो पड़ोसी मुल्क का ही बनता है, चूंकि वो प्रैक्टिकली बड़ा एक फिजिबल होता है, बड़ा आसान होता है। मसलन इंडिया के लिए पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो खेमे देना या खुराक या कंबल या इस तरह की चीजें डिलीवर करना बहुत ही लो कास्ट पे और फिलफोर तरीके से वो जो इंडिया के लिए पॉसिबल है, इतना किसी भी और मुल्क इंक्लूडिंग चाइना, हालांकि चाइना भी पड़ोसी मुल्क है लेकिन बहुत बड़ा डिस्टेंस है दरमियान में। तो इस हिसाब से मैं समझता हूं कि ये भी एक और फेलियर है, यानी पाकिस्तान में बात कोई एक फेलियर की हो तो बंदा उस पर जो है वो सर पीटे, ये भी एक फेलियर है कि आपने अननेचुरली अपने जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ अननेसेसरली और गैर फितरी किस्म के जो है रिलेशनशिप बनाए हुए हैं, जिसके नतीजे में आप किसी इस तरह की बहुत बड़ी डिजास्टर की शक्ल में, जिसमें बेशक आपकी आधी से ज्यादा आबादी क्यों ना बह जाए, उनकी तरफ आप देख तक नहीं सकते, चे जाए कि आप मदद की बात करें। तो ये भी एक बहुत अननेचुरल किस्म की स्टेट ऑफ रिलेशनशिप है जिसपे पाकिस्तान को गौर करना चाहिए, और उनको देखना चाहिए कि ये ज्यादा दूर जाने वाला काम नहीं और ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। इसमें बात ये नहीं कि आप सिर्फ अपने रिसोर्सेज को मिस यूज कर रहे हैं, इसमें बात सिर्फ इतनी नहीं कि आपकी जो रूलिंग एलीट है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और अपने मुल्क के अवाम को और आम शहरी को दुख से, दर्द से और तकालीफ से बचाने के लिए नहीं सोच रही है। इसमें बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आप हर चीज पे जो है वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं
और पॉलिटिक्स की वजह से आप सैलाब जैसे डिजास्टर में भी अवाम की मुश्किलात की तरफ नजर उठा नहीं रहे। इसमें देखने की बात यह भी है कि आपका जो पूरा पैकेज है, इंक्लूडिंग आपके पड़ोसियों के साथ आपके ताल्लुकात, जिसमें हिंदुस्तान सारे फ्रिस्त है, ये आपके सया कारनामों और सया काम कारी हो गई, मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो गई। पहले तो वो इस चीज से निकलना है, हमारे हुक्मरान इस चीज से निकलना है कि पहले नैब की इस्लाहात करनी है, इलेक्शन की इस्लाहात करनी है। अब हमें 5 साल मिलेंगे, अगला चीफ कौन आएगा? अगला पाकिस्तान का बाढ़ से बहुत ज्यादा हाल बेहाल है। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद महंगाई और आने वाली फूड शॉर्टेज से पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत से अगर रिश्ते अच्छे होते तो भारत हमारी मदद भी करता और हम दुनिया में भीख ना मांग रहे होते, किसी के आगे झोली ना फैलाते, क्योंकि भारत हमारी 80% से ज़्यादा मदद केवल भारत ही कर सकता था। क्योंकि पर भारत सरकार का क्या फैसला होगा, भारत सरकार को करना है, लेकिन पाकिस्तान जब तक भारत के खिलाफ साजिशें करनी नहीं छोड़ेगा तब तक भारत को कोई भी ऐसी मदद पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत के पीठ में छुरा घोंपाए। भारत ने एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर में दहशतगर्दी करवा कर भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।